Good afternoon, students. A very warm welcome to Physics Chemistry. Tahle, sabotu majalia chapter concept bhorpur concept etre gudai achi sab bujhibak padiyo tam chemical kinetics chapter dekhu chhe heading tamko note already mu dei sarchi. So chemical kinetics re ami kon kon sab padhiyam details hai par. Tan dekho ethe dekho chemical kinetics ro तो जे मेन हो जे आडभांस हो कि नीट हो निहत दुई रु तीन क्वेश्चन सब सो आगे आडभांस आम धीरे धीरे पढ़ा चैप्टर कंप्लीट करे मुझे तुमको इंटरेस्ट क्वेश्चन गुड़ाई करदेवी बुझीपर मजा लिया सब ट्रिक जब मुंड थे पशिगला तुम भाई बोले पूरा इजी लगे चैप्टर फिर केमिकल काइनेटिक्स काइनेटिक्स मैंने बुझ बुझीपू नर्माली मोशन फोशन तरह किसी अच्छे काइनेटिक्स फिजिक्स तुम जानते हो काइनेटिक्स मोशन फोशन उपर पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स माने मन रखा जो केमिकल रिएक्शन आसुचे तार रेट ऑफ रिएक्शन चेक करिया कौन कर रेट ऑफ रिएक्शन चेक करिया से रेट ऑफ रिएक्शन को किए अफेक्ट कर कौ रेट धर एग्जांपल गोटे रिएक्शन ये स्पीड है गोटे स्पीड बहुत स्पीड होगा गोटे स्लो होगा गोटे मॉडरेट आसला तीन प्रकार रिएक्शन नॉर्मल देखिपर तेल आम जो केमिकल काइनेटिक्स मन रखे गोटे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील्स विथ कौन कही रेट ऑफ रिएक्शन आस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन रेट कौन तर डिटेल्स कौन डिटेल्स चाहिए मैंने काइनेटिक्स गोटे केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर पढ़ा से रेट ऑफ रिएक्शन को किए अफेक्ट कर पढ़ा एवं जो डिटेल्स को आम कौन कर इन टोटल आम कौन कहवा केमिकल काइनेटिक्स मन रखा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मन रखा गोटे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री Which deals with कौन कहली rate of reaction rate of reaction कौन बुझ reaction कौ speed reaction कौन कौ speed दुई नंबर देखा rate of reaction तुम शर्ट शर्ट मन रख देख आर ओ आर सब लिखा अभिशा कर दिवी हम तुम्हें deals with the rate of reaction मन रखा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन कह केमिकल रिएक्शन रेट से रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन किए अफेक्ट कर एंड लास्ट कौन टी रिएक्शन मेकानिज्म से रिएक्शन केमी हो लास्ट में डिटेल्स पढ़ा रिएक्शन मेकानिज्म रिएक्शन मेकानिज्म ऊपर डिटेल्स पढ़ा जो इन टोटल आम कौन कहले केमिकल काइनेटिक्स तार मन रखा गोटे केमिकल रिएक्शन रेट गोटे केमिकल रिएक्शन गोटे रेट पढ़ा से रेट को किए अफेक्ट कर रिएक्शन मेकानिज्म को इन टोटल आम कौन कहले केमिकल काइनेटिक्स कहे कौन कहले केमिकल काइनेटिक्स देखा रेट ऑफ रिएक्शन कौन आनवा केत प्रकार रिएक्शन अच्छे जानवा कौटा को पढ़ा कौटा पढ़वानी कौटा यूजफुल कौटा नन यूजफुल तो डिटेल्स हम जानते हैं मन रखा केमिकल काइनेटिक्स कौन आसला तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन कह रोटे डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लिखिपर कि नेक्स्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन एंड लास्ट आस रिएक्शन मेकानिज्म तीन टाइप मेनली फोकस करवा जो केमिकल काइनेटिक्स तीन टाइम देख ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मन देख पार लिखीपर एटी आर ओ आर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बा द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन भी चाहिए तुम लिखिपर रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन का रहे केमिकल रिएक्शन न एंड रिएक्शन मेकानिज्म जो रिएक्शन हो जो केमिकल रिएक्शन हो तार मेकानिज्म को जाएगा ओके केमिकल काइनेटिक्स तापर आम देखा कहल रिएक्शन रेट बा स्पीड गोटे बहुत स्पीड गोटे बहुत स्लो हम गोटे मॉडरेट हम त
तन आम देखिबा कि रिएक्शन जो आसुची फास्ट देखिबा ठी तन देखिबा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स मन देखिबा ठी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स काइनेटिक्स मोशन बा स्पीड ऊपर का बेसिस रे रिएक्शन बेसिस बा स्पीड बेसिस से द रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू द रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स नॉर्मली हमें थ्री टाइप्स पर है कि फाइव टाइप्स अच्छी जो मॉडरेट रिएक्शन आसीबो ता ऊपर हम बेसिक फोकस करिबा वेरी फास्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल यदि सब आयोनिक रिएक्शन होछ आयोनिक रिएक्शन होछ को आयन इंटरचेंज है जो रिएक्शन ता आखि फिचुला फिचुला कहियो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से रिएक्शन हियो आ से बोले रिएक्शन नो रेट आ डिटरमाइन करिबा हम पके पॉसिबल आ गो वेरी स्लो रिएक्शन आसु तो एग्जांपल रोस्टिंग ऑफ आयरन आयरन ने कलंगी लागियो बहुत स्लो रिएक्शन ताको टाइम से जो रोस्ट लागिया को से इयर्स ने जो थोड़े गोटे वर्ष ने जे पर टाइम टेकि नहीं पर तन मन रखिबा गोटे वेरी फास्ट रिएक्शन आसीबो गोटे वेरी स्लो रिएक्शन आसीबो तन वेरी फास्ट रिएक्शन नो आमे रेट ऑफ रेट आमे माने का करि परिबे ने डिटरमाइन करि परिबे ने कि आउ नेक्स्ट आसला वेरी स्लो रिएक्शन माने का मिटा डिटरमाइन करि परिया कि हम यूजफुल नहीं तने वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन ताको हमें इग्नोर करके हम पढ़िबा कोटा मॉडरेट रिएक्शन तन देखि दबा आगे एक नंबर आगे देखिबा वेरी फास्ट रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन असला वेरी फास्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल देखिबा तरे NaCl आसीला अलोंग विथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करि एमान सब आयोनिक रिएक्टर आयोनिक रिएक्टर देखा आपको हमें स्प्लिट कर दबा कलेक्ट करिबा एठी Na plus Cl minus Ag plus NO3 minus एगा तरह इंटरचेंज है जी पे अरे इट कौन फॉर्मेशन हो देखा है कि Na NO3 फॉर्मेशन हो सिल्वर कौन करी हो क्लोरीन सहित क्लोराइड फॉर्मेशन करी हो तन सैंक्शन ये कौन कर आया थी प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन कर दिला एलोंग विथ हम कौन पाई गले सोडियम नाइट्रेट पाई कौन पाई रहे थी सोडियम नाइट्रेट तन ये जो रिएक्शन हवा को वो कितने टाइम नहीं ची 10 टू द पावर माइनस 6 सेकंड आखी बिछवाई आखि पता पकेला पर रिएक्शन ता हिए पकिया पकोथिबा द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से माने रिएक्शन ता हिए जे जोटा के हम कोन कहले आ रेट हम डिटरमाइन करि परिबा हम पके पॉसिबल माने वेरी फास्ट रिएक्शन नो रेट को हम इजीली कोन करि परिबा ने प्रेडिक्ट बा डिटरमाइन कर परिबा दुई नंबर प्रोसेस देखिबा देखल को वेरी स्लो रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन तो वेरी स्लो रिएक्शन कौन कह लिए थी देख असला रोस्टिंग ऑफ आयरन रोस्टिंग ऑफ आयरन जो होउची लोहा रे जो कोलन के लागियो प्रोसेस ता बहुत स्लो प्रोसेस कि नहीं पारे मोटे वर्ष नहीं पारे दि वर्ष नहीं पारे तीन वर्ष नहीं पारे तने होउची को टाइम टेक इयर्स टू कंप्लीट तर मन रखिबा जो रिएक्शन होउची वर्ष वर्ष नहीं जाउची रिएक्शन ता को कंप्लीट कर तो मन रखिबा एथी टेक्स Years to complete. तरम वर्षा वर्षा कौन कोची से time नो उची कौन करिया पाई reaction को complete करिया पाई so इधर not use determine करिया बहुत सौद जे बुन बहुत slow शेरे क्या मो कमरे ऐसे होने से मन्ना क्यों आती not useful जोड़े क्या मो दरकार पड़ो तरह हमें जो reaction देखी बा जहाँ rate कौन थी बाओ ए फास्ट रिएक्शन द रेट स्लो थिबो एंड स्लो रिएक्शन रेट के अधिक थिबो तन जो मॉडरेट रिएक्शन बाय इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीला ए जो वेरी फास्ट रिएक्शन थारु त रेट टिके कम थिबो एंड वेरी स्लो रिएक्शन थारु त रेट टिके कम थिबो अधिक थिबो तार ऊपर हम फोकस करबो आ जदी उन स्क्रीनशॉट ले जाओ तुम तल देखिले आउतर को देखो केमिकल काइनेटिक्स को कोई तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहां पर से डील कर देखो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन
ফ্যাক্টর্স আফেক্টিং রেট অফ এ কেমিক্যাল রিয়াকশন অ্যান্ড রিয়াকশন মেকানিজম তার উপর তিনিটাকে আমি কম্বাইনলি আমি কইবা তা কম হচ্ছে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স কিন্তু যে রেট অফ রিয়াকশন পড়িবা কাহার পড়িবা ভেরি ফাস্ট রিয়াকশন দেখিলে যেটা কি হচ্ছে প্রাকটিকালি আমি নর্মালি কম করে পারছি ডিটারমাইন বা প্রেডিক্ট করে পারিবানি ভেরি স্লো রিয়াকশন আসিলা আর ভেরি স্লো রিয়াকশন বি তাকে আমি কম করে পারিবানি যেটা কি ইউজফুল আসিব নাই আর প্রাকটিক্যাল তাকে ইম্পসিবল টু প্রেডিক্ট বা ডিটারমাইন করে পারি রেট অফ রিয়াকশন বহুত স্লো যেটাকে আমি ইউজফুল বি আসিব নাই তার রেট অফ রিয়াকশন আমার দরকার পড়বনি আন্ড পড়িবা কাহা উপরে মডারেট রেট অফ রিয়াকশন যেটা কহিলি কহ ভেরি ফাস্ট রিয়াকশন ঠারু তার রেটটা টিকে স্লো থিব আন্ড ভেরি স্লো রিয়াকশন ঠারু রেটটা টিকে কম থিব ফাস্ট থিব তাহলে কি ভাবে তিন নম্বর রিয়াকশন যেটা ইম্পর্টান্ট যাহা উপরে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স কম করেছি বেস করেছি তাই পড়িবা এটি মডারেট রেট অফ রিয়াকশন মডারেট রেট অফ রিয়াকশন বা মডারেট রিয়াকশন তাহলে মডারেট রিয়াকশন সব মনে রাখিবা মলিকুলার রিয়াকশন সব কোন আসবো এটি মলিকুলার রিয়াকশন ধর এক্সাম্পল দেখ নাইট্রোজেন সহিত হাইড্রোজেন মিক্স হব কম ফর্মেশন করি আসি আমন বালাস কত বাটি টু মোলস অফ অ্যামোনিয়া থ্রি মোলস অফ কাসলাইট হাইড্রোজেন আসে তাহলে এই কেসে দেখিবা দেখ নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেন এটি নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অ্যান্ড তাহলে এটি কম হব এই যে রিয়াক্টান্টে যে বন্ড হয়েছে দেখো এটি এটি কম হব বন্ড ব্রেক করব বন্ড ব্রেক করব এই যে বন্ড ব্রেক করি কোটি বন্ড ফর্মেশন করলে এই অ্যামোনিয়া সাথে কম করলে এটি বন্ড ফর্ম কম করলে এটি বন্ড ফর্ম তাহলে এটি কম হল বন্ড ভাঙ্গিলা অ্যান্ড বন্ড ফর্মেশন হল তারপর যে রিয়াকশনটা হচ্ছে স্লো রিয়াকশন কিন্তু ভেরি স্লো রিয়াকশন ঠারু টিকে ফাস্টার হব অ্যান্ড ভেরি ফাস্ট রিয়াকশন টা টিকে স্লোয়ার হব তাহলে যে মলিকুলার রিয়াকশন যে বা মডারেট রিয়াকশন পড়ছে সব মলিকুলার রিয়াকশন সব মলিকুলার রিয়াকশন এই কেসে কম হচ্ছে বন্ড ব্রেক করব অ্যান্ড বন্ড ফর্মেশন হব মানে আপ যে টাইম নেওয়া যে মনে রাখা এটি ফাইনাইট টাইম মানে বহু কম সময় মানে টাইম লেখা টেক্স ইয়ার্স টু কমপ্লিট এটি এত সময় নব না তার কম সময় নব তাহলে ফাইনাইট টাইম দ্বারা ফাইনাইট টাইম দিলে কহব ইজিলি ইয়ে মানে কম করে পারিবে বন্ড ব্রেক করি কম করে পারিবে বন্ড ফর্মেশন করি যেটা কি আমি কোজন কো মডারেট রিয়াকশন বা মডারেট রেট অফ রিয়াকশন তা রেট অফ রিয়াকশন কোন গোটে রিয়াকশন হউছ মানে কোন হতো গোটে প্রোডাক্ট ফর্মেশন হতো তা দেখিবা এটা গোটে এই এক্সাম্পল কো দেখ তার এ প্লাস বি প্রোডিউস করছি সি প্লাস এ প্লাস বি প্রোডিউস করলা সি প্লাস বি তা এই কেসে কোন হচ্ছে আর গোটে কনসেন্ট্রেশন বা কোয়ান্টিটি আর গোটে কনসেন্ট্রেশন বা কোয়ান্টিটি তার মনে রাখিবা রেট অফ রিয়াকশন কোন চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশন ফর ইউনিট টাইম অফ রিয়াক্ট্যান্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট রিয়াক্ট্যান্টর বি কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হব প্রোডাক্ট বি কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হব আর কিন্তু মনে রাখিব রিয়াক্ট্যান্টর কনসেন্ট্রেশন কমিলা বেড়ে প্রোডাক্টর কনসেন্ট্রেশন বড়ব কারণ রিয়াক্ট্যান্ট রিয়াক্ট কলে হি প্রোডাক্ট ফর্মেশন হব আর কোয়ান্টিটি কমিলে হি আর কোয়ান্টিটি বড়ব এমানে যদি কনজিউম হেবে নি রিয়াক্ট্যান্ট মানে যদি কনজিউম হেবে নি তাহলে প্রোডাক্ট ফর্মেশন হব নি তা রেট অফ রিয়াকশন মনে রাখিব কনসেন্ট্রেশন অফ বা চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশন অফ পর ইউনিট টাইম অফ এ মনে রাখিব কাহার সব আসছে এটি দুই প্রকার আসিব রিয়াক্ট্যান্ট হয়ে পারে প্রোডক্ট হয়ে পারে রিয়াক্ট্যান্টর কমিব অ্যান্ড প্রোডক্টর কম হব এটি বড়ব যেরকম ডিটেলস আপনি পড়বা তাহলে দেখিলে তিন প্রকার রিয়াকশন ভেরি ফাস্ট ভেরি স্লো আর গোটে মডারেট রিয়াকশন তাহলে ভেরি ফাস্টে ইট ইজ ইম্পসিবল টু প্রেডিক্ট দ রেট অফ রিয়াকশন ভেরি স্লোরে কম হচ্ছে প্রাকটিক্যালি রেট অফ রিয়াকশন নট ডিটারমাইন্ড হেলা যেটা কি ইউজফুল নুহে আমার পাই নেক্সট আসিলা মডারেট রিয়াকশন যেটা কি ভেরি ফাস্ট রিয়াকশন ঠারু স্লো রেটে রিয়াকশন হব অ্যান্ড ভেরি স্লো রিয়াকশন ঠারু টিকে ফাস্টার হব অ্যান্ড সেই রিয়াকশনটাকে আমি তাহলে উপরে পড়িবা মডারেট রিয়াকশন যে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স আদি উপরে বেস হয়েছি মডারেট রেট অফ রিয়াকশন ওকে জলদি স্ক্রিনশটটি নিয়ে যাও
ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନେ କ'ଣ, ଆମେ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଭେରି ସ୍ଲୋ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପଢ଼ିବା କାହା ଉପରେ ମଡରେଟ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ। ଆଉ କହିଛୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଥରେ କେଉଁ ଦେଖ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କଲା, ଏଠି ସି ପ୍ଲସ୍ ଡି ଫର୍ମେସନ୍ କଲା। ତାହେଲେ ଆର ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟର ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟର ବି ଗୋଟେ କିଛି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବ, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହୋଇଯିବ, ତାର କ'ଣ ଡିସାପିୟର କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମି କମି ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମି କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ, ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମିବ, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମିବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ନ ହେଲା ଯାଏଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମଡରେଟ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରୁଛି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ବା କମୁଛି, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟର ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କମୁଛି ବଢ଼ୁଛି। ତା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରଖିବା କେମିକାଲ କାଇନେଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ତା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ଲେଖ ଦେଖ ଇଟ୍ ମେ ବି ଡିଫାଇନ୍ ଆଜ୍ the amount of reactant, the amount of reactant consumed or amount of product formed per unit time is called rate of reaction। ଆର ଓ ଆର ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରୁଛି, ରିଆକ୍ଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ରିଆକ୍ଟର କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ନ ହେଲା ଯାଏଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖିପାରିବ, ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଇଟ୍ ମେ ବି ଡିଫାଇନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ଅର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଠି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଓକେ, ନୋଟ୍ରେ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ପୁରା ବେସିକ୍, ପୁରା ତୁମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକିଏ ବସିଲେ ମାନେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, 100 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହା ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ କେଉଁ ଦେଖ, ଯେତିକି ପଢ଼ାଉଛି ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଗେ ଦେଖିଲେ କେମିକାଲ କାଇନେଟିକ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କାହା ପରେ ସେ ମେନ୍ଲି ବେସ୍ କରୁଛି, ଡିଲ୍ସ କରୁଛି କାହା ହେଇତ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଏଫେକ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ମେକାନିଜିମ୍, ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କାଇନେଟିକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ନର୍ମାଲି। ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଆୟୋନିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆମେ ରେଟ୍ଟାକୁ ଡିଟର୍ମାଇନ୍ କରିବା ଆମ ପାଖେ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଭରେଜ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଭରେଜ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସରି ଭେରି ସ୍ଲୋ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ରିଆକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଇୟର୍ସ ନେଇଯାଉଛି, ଟେକ୍ସ ଇୟର୍ସ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ରଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଆ, ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବାନି, ତା'ର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଡିଟର୍ମାଇନ୍ କରିପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ପଢ଼ିବା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାରୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସ୍ଲୋ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟର୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମଡରେଟ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କହିଲେ, ତାହାର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମଲିକୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ମଡରେଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି, ବଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି, ଏ ଫାଇନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ଟା କମ୍ ଅଛି, ଯଦି ତା'ର ରେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଡିଟର୍ମାଇନ୍ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆଉ ଥରେ କହିଛି, ଦେଖ କହିଲି କ'ଣ, ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବ, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ନ ହେଲା ଯାଏଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଲେ ସୁନା ଏମାନେ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ଡିସାପିୟର କରିବେ, ଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଲେ ସୁନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ମାନେ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଲା, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମିଲା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍, କେତେ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛି, ଅର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମ, କେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍, ଆମେ ଡେ ନେଇ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ନେଇପାରିବା, ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବା, ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ନେଇପାରିବା, ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ନେଇପାରିବା, ୱାନ୍ ଇୟର୍ ବି ନେଇପାରିବା, ତ ପର୍ ୟୁନିଟ୍, ଯେକୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା।
स्क्रीनशॉट नहीं जाओ তাহলে তিনটে তিন প্রকার রিয়াকশন দেখলে তারপরে আমি নর্মালি দুই প্রকার গোটে আসবে গোটে আভারেজ রেট অফ রিয়াকশন আসবে গোটে ইনস্টানটানিয়াস রেট অফ রিয়াকশন তাহলে আগে দেখবা এটি আভারেজ রেট অফ রিয়াকশন প্রবলেমই করবা আপরে আভারেজ রেট অফ রিয়াকশন তাহলে মনে কিবা ফেল ফেল রেট অফ রিয়াকশন আর ও আর সবলে ইউজ করিবো আর ও আর রেট অফ রিয়াকশন তাহলে ওয়েন আর ও আর इज मेजर मापी बता को इज मेजर ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन गुड़ा जेमिनी कौन कहली এটা দশ সেকেন্ড হচ্ছে সেটা কোড়ি সেকেন্ড হল সেটা তিরিশ সেকেন্ড হল সে পচাশ সেকেন্ড হল বা মনে রাখি বা এটা দশ দিন হল রিয়াকশনটা এটা তিরিশ দিন হল এটা কোড়ি দিন হল এটা সাত দিন হল সে ছ দিন হল তার আমি আভারেজ বাহার করিদেবা গোটে ইন্টারভাল যেহেতু লং নেছি ডে নেছি মানে লং নেছি তাহলে এই যে লং ইন্টারভাল আমি আভারেজ বাহার করিদেবা সেই যে রিয়াকশনটাকে আমি কম কইবা আভারেজ রেট অফ রিয়াকশন তাহলে এই ক্ষেত্রে কিছু মেকানিজম আছে মনে রাখি বা যে রিয়াকশন যে হব তার কিছু মেকানিজম আছে তাহলে মনে রাখি বা দেখো আভারেজ রেট অফ রিয়াকশন द रिएक्शन टा मेजर करबो लॉन्ग इंटरवल टाइप तन देखो दर एग्जांपल तीनटा रिएक्शन अछि वन रिएक्शन टू रिएक्शन थ्री रिएक्शन तर आउट रिएक्शन चार नंबर रिएक्शन चार ओके तन ये कम करा था 10 डेज नै गेला रिएक्शन बजे ये 30 डेज नै गेला ये 20 डेज नै गेला आ ये 15 डेज नै गेला बस थर्ड नै गेला 40 डेज नै गेला ओके तन आज हम ऐड कर दबा एवरेज रेट डिवाइड बाय 4 कर दबा जा बाछु ताउ छको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पैडा को होची लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम रे एडा होच कहो जेठी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तने देखबो एठी मैथमेटिकल टर्म आसीबो त बुझेबी प्राय इजी हबो तम पई तने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मन लखिबा जेतल रिएक्शन टा को मेजर करिबा ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम त का हम कम कहबा एठी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओके त देखियो एग्जांपल देखो मे एग्जांपल दोची एग्जांपल देखो जहां तुम दे छी नोट रे सेटा में नोची 2a + 3 को प्रोड्यूस कर छी थी 4c फॉर्मेशन कर छी 4c फॉर्मेशन कर तने आरो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेक करे हला तने देखो आगे लिखियो इसको देखो आगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैथी कोन कहितली रिएक्टेंट कंज्यूम होबो तने क्वांटिटी कम हो एंड कार क्वांटिटी बढ़िबो प्रोडक्ट रो क्वांटिटी बढ़िबो तने एक से मन रखिबा यदि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भारे करे चाहिबा तने यदि कोहब जहा कोफिशिएंट थिबो रिएक्टेंट हो कि प्रोडक्ट हो जहा कोफिशिएंट सेबो कहब नेगेटिव रेसिप्रोकल रिएक्टेंट साइड रे नेगेटिव रेसिप्रोकल हबो रिएक्टेंट साइड रे सेटिक प्रोडक्ट साइड कहब पॉजिटिव रेसिप्रोकल माने उल्टा थाय जिको तन दुई रो उल्टा केते आसबो 1/2 2 रो अपोजिट के आसला रेसिप्रोकल जे आसी के तरछि 1/2 किंतु रिएक्टेंट काहे के हम नेगेटिव नउ चंती हेटी रिएक्टेंट कंज्यूम होउची रिएक्टेंट ऑफ क्वांटिटी कम होउची क्वांटिटी कम बा डिसअपीयर करूची त सेहिटा को हम कोन कहले हेटी जेतु डिसअपीयर करूची डिसअपीयर कला माने हेटी कोन करबा हेटी माइनस ऑफ माइनस त बाटी क्वांटिटी जोट कमीला नेगेटिव जोट क्वांटिटी बढूची पॉजिटिव त रिएक्टेंट ऑफ क्वांटिटी कम क्वांटिटी ऑलरेडी कइसे छि कमिबो एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी को हम ऑलरेडी बढियो कइस कारण ए माने कंज्यूम हेले ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे परबो अदरवाइज फॉर्म हे परबो तले मन रखिबा जेतले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिबा नेगेटिव आसीबो एंड जे कोफिशिएंट जो आसे तो छै दुई रो ए रे कोफिशिएंट 2 आसीला बी रे कोफिशिएंट 3 आसीला सी रे कोफिशिएंट 4 आसीला माने कोफिशिएंट ता कहियो रेसिप्रोकल हे जिवो रिएक्टेंट थिले नेगेटिव रेसिप्रोकल एंड प्रोडक्ट थिले कोन बट पॉजिटिव रेसिप्रोकल तन देखिबा एथि रेट ऑफ रिएक्शन को आसीबो माइनस हाफ डेल ए बाय डेल टी गुडे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/4
डेल सी बाय डेल टी तर मन रखा रिएक्टेंट कंज्यूम होचो आमे नेगेटिव चिन्ह देचंती एंड जति प्रोडक्ट फॉर्मेशन होन त काम को बोले पॉजिटिव फॉर्म इजीली तमे जे कोनो रिएक्शन नै तमे करि परिबो 2a + 3b + 4c देछि धर आ गोटे एग्जांपल तो देखो इट लेक्चर तात्विक अछि तर मन रखा आ गोटे आ गयो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट फॉर्मेशन जोडा डेटा को रेट ऑफ अपीयरेंस कहिबा एंड जो भी क्वांटिटी रिएक्टेंट कंज्यूम होच बा डिसअपीयर करूची त एटा कोन कहिबा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस त रिएक्टेंट को हम कहिबा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस व्हाई प्रोडक्ट को कहिबा रेट ऑफ पहुंचे अपीयरेंस त एही केस जदी एग्जांपल हम चेक करिबा रेट ऑफ अपीयरेंस आर ओ ए त रेट ऑफ अपीयरेंस का रासिबो ए बी सी का भी रासिबो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सबले अपीयर करिबो रिएक्टेंट सबले कोन हो डिसअपीयर करिबो त सी होच प्रोडक्ट त सी रा हम कोन करिबा एठी रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर करिबा तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी केते आसीबो एठी एठी कोफिशिएंट रो किछ आउ काम रहिबो कोफिशिएंट को तम करियो इग्नोर करियो डायरेक्ट तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मन रखिबा डेल सी बाय डेल टी कंसंट्रेशन रहिला त नै जो मोड रहै छै पॉजिटिव तो जानते नि मोड नॉर्मल भी चलियो किछ असुविधा नै नेक्स्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहाँ रासिबो ए बी सी एंड रिएक्टेंट जो वन रहिले एमानकर को आसीबो एठी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आसीबो त रिएक्टेंट के अछि ए प्लस बी 2 ए प्लस 3 बी अछि त नै एठी कहै छी जे तले रेट ऑफ अपीयरेंस बाहर करिबो कि मा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बाहर करिबो से केस से कोफिशिएंट को टोटली इग्नोर करिबो त 2 ए प्लस 3 बी जे कोनोसी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर एग्जांपल हम बी बाहर करिबो तने को पाइबा एठी डेल बी बाय डेल टी कंसंट्रेशन रहिला एठी मोड नै जे परबो त रेट ऑफ डिफरेंस डिसअपीयर माने हम जान छथि कमीबो नेगेटिव अछि हम दरका नै लेखिबा हम मोर डायरेक्ट नै छिबा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माने कहू छ कम छ हम जान छथि बट हम साइन किछ मेंशन करे दरकार नै सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ ए लेखिबा केता आसीबो एठी डेल ए बाय डेल टी त मन रखिबा अपीयरेंस रे हम मोर देले चलिबो नदले चलिबो रेट ऑफ डिसअपीयर मोर देले भी चलिबो नदले चलिबो काना लेंथ डिसअपीयर माने कम छ अपीयरेंस माने कहू छ पडु छ सो ये सोरी हबार नाइ पर कि छा गुटे एग्जांपल देबे किछ प्रॉब्लम करे भी तो इजी तुम बुझि परिबा आराम से त मन रखबो जेतो बले भी जे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करू छंती आउ इंस्टेंटेनियस होले ठीक अलगा हम पर देखिबा त एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो देखछो जो जो कह होची जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहू छी त रिएक्टेंट रे कह हबो रेसिप्रोकल हबो कोफिशिएंट रेसिप्रोकल जो रिएक्टेंट जेतु डिसअपीयर करछी बा कंज्यूम होची तो नेगेटिव रेसिप्रोकल त प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जेतु फॉर्म होची तो जब कौन करे पॉजिटिव वैसे बता जल्दी लग जाए का ओके तर यूनिट एक चेक कर दो आ गया तर रेट ऑफ रिएक्शन बा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बा रेट ऑफ रिएक्शन हम यूनिट चेक कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओके हम रेट ऑफ रिएक्शन को इसे तुम कौन कोई ची रिएक्टेंट कंज्यूम हो तब प्रोडक्ट फॉर्म हो पर यूनिट टाइम बजे डकैंड शॉर्टकट लिखता थे कौन थी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम अरे कंसंट्रेशन कौन मोल पर लीटर बाय टाइम बाय इनटू सेकंड हम कर दो बाय शॉर्ट रेंज सेकंड हाउस छोटा प्लस कम जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं जो टाइम का अरे कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला कौन कोई भी मोल पर लीटर तो ने कौन था को लिख दी पर बाय थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये डाउनलोड कर हो चुकी रेट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट क्या होती गैसियस मॉलिक्यूल्स होए दे फॉर गैसियस मॉलिक्यूल तो नहीं फॉर गैसियस मॉलिक्यूल माने कंसंट्रेशन माने होचु प्रेशर तो जेते गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ी हो सेते प्रेशर बढ़ी हो तो नेट डायरेक्ट फॉर्मूला पाई लो तो मैं एटीएम सेकेंड इन ओके नॉर्मली सब आर ये परे 99% प्रॉब्लम आसे रेट ऑफ रिएक्शन में
এটা বাই চান্স 1% আসলে কেবে কেবে গ্যাসেস মলিকিউলস তো জানিতা তুমি ইউনিট নর্মাল ইউনিট আসলে মোল লিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স ফাইল ফর গ্যাসেস মলিকিউল মানে ইউনিট কো আসিবো এটিএম সেকেন্ড ইনভার্স আসিবো ওকে আউট এক্সাম্পল নাও দেখো এটি ব্যালেন্স কিছু দরকার নাই তোমার হ্যাঁ ব্যালেন্সিং করিয়া কি দরকার নাই যা দেখি तो बैलेंस नीचे कर दबो जब बैलेंस में कर तो बैलेंस कर दबो तुमने 4NH3 विद द 5 मोल्स ऑफ O2 गिव्स राइज 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर तो आगे तो हम कह रहे पचाची एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नीचे नीचे ट्राई करो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कौन पाइबा कहते रिएक्टेंट है मैंने नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट आ प्रोडक्ट है मैंने पॉजिटिव रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट रेडी कौन पाइबा -1/4 NH3 पाई के आसला डेल इज इक्वल टू -1/5 डेल O2 बाय डेल टी रिएक्टेंट का काम सारी गला तो प्रोडक्ट का काम देखिबा +1/4 डेल नाइट्रिक ऑक्साइड जोड़ा सी एन ओ डिवाइडेड बाय कितना आसला डेल टी इज इक्वल टू +1/6 डेल H2O रो कंसंट्रेशन बाय कितना आसला डेल तो लेता आउट जी रेट ऑफ पास का रिएक्शन पाई गई तुम दर एग्जांपल पूछा ला रेट ऑफ तो दर एग्जांपल देखो ना छोटे पूछा तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दर एग्जांपल और पूछा था ला नाइट्रिक ऑक्साइड और बदला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कौन को बदला कि अमोनिया बदला का बदला अमोनिया तब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ गैस लाइक अमोनिया देखते ना तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देखा कोई थी रहती कोफिशिएंट रखी चीज कामन है और राइट लेग दी बारी बार थी डेल एन ओ बाय कितना स्लैट है डेल टी नेक्स्ट असला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 बा अमोनिया कौन सी की बार थी डेल NH3 क्वेश्चनটা দেখ নিজে ট্রাই করে চাই হ্যাঁ তুমি দেই দিয়েছি নোট নোট প্রবলেম সে সলভ করে সলভ করে ভি দিয়েছি এটা দেইছ ভি নিজে ট্রাই করে আছো সেটা ভি করিও তুমি তো एग्जांपल দেখ দেখো সবলে সবিন তো ব্যালেন্স করিও যে কোন রিঅ্যাকশন হোক ব্যালেন্স করিও হ্যাঁ তো ব্যালেন্স করিছি দেই থই তুমি ফর एग्जांपल নাইট্রোজেন সহিত 3 মোলস অফ হাইড্রোজেন কম প্রোডিউস করছি 2 মোলস অফ অ্যামোনিয়া কোন দেইছি এটি দেখো ডিউরি ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपीयर्स in 1 minute disappears in 1 minute next pochachi ko tumko find rate of disappearance of hydrogen next na 3 number re rate of appearance of ammonia अंदर वॉल्यूम दे दीजिए से वेसल अथवा कंटेनर वॉल्यूम दे दीजिए थी 1 लीटर 1 लीटर डाटा कौन दे जाएगा लिखते हम सॉल्व कर दूं जी
ओके क्वेश्चन पाई गले बे तो देखिए प्रथमे को देख ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपीयर इन 1 मिनट तन लिखि तो आदि रेट ऑफ इधर इनडायरेक्टली कौन दे देला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन तो हम डायरेक्ट दे दी तन केते लाइट देखो केते डिसअपीयर करची एथी माइनस 2 मोल 2 मोल माइनस 2 मोल लीटर के देची 1 लीटर पर 1 लीटर इंटो के तासला 1 मिनट माने के तासला 60 सेकंड 1 मिनट के तासला 60 सेकंड सर तन केते कट के काटी गेले के तासिबो माइनस 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कार्बन भर गेला नाइट्रोजन भर गेला रेट ऑफ रिएक्शन भर के तो बैठी आर वर तुम समझते हैं तो कैसे लिख दे पार्टी माइनस 1/1 डेल N2/ΔT नेक्स्ट आसला माइनस 1/3 डेल H2/ΔT इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल NH3/ΔT डेल NH3/ΔT डेल ओके एटा हम डाटा फॉर्म से जानि छन तो क्वेश्चन रे लिखो के जगह शॉर्ट अछि ताले हमें पाई गेले को अछि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया पाई गेले रेट ऑफ रिएक्शन पाई गेले हम पचार छि क्वेश्चन ने कोन पचार छि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दिटा तो पचार छि और रेट ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी पाई छि ताको हम कंपेयर कर दो काहे तो अमोनिया सहित तनेटी रेट ऑफ अपीयरेंस हम पाई गेल त रेट ऑफ रिएक्शन केते पाई जिबा हमें त रेट ऑफ रिएक्शन हमें केते पाई गेल देखो हमें अमोनिया रे ऑलरेडी जानि छथि त केते लेके देबा एथि माइनस 1/1 देखो एथि आ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हम केते पाई छि नेथि माइनस 1/30 ने केते आसीला एथि 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स त देखो एथि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हम ऑलरेडी पाई थिले माइनस 1/30 सो आर कोफिशिएंट रहिला आ से टाइम -1/30 मल्टीप्लाई कर देले हम रेट ऑफ रिएक्शन पाई गेले केते 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कोटे पाई गेले नेक्स्ट आउ को पचला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन त देखबा टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन हम चेक करबा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ केते पाईबा हाइड्रोजन पर त हाइड्रोजन के कोफिशिएंट केतो चेक कर सकी हाइड्रोजन कोफिशिएंट केते अछि त हम जान छन ऑलरेडी रेट ऑफ रिएक्शन एक जल्दी त रेट ऑफ रिएक्शन केते पाइले 1/30 इज इक्वल टू -1/3 डेल H2/ΔT कारण हम लिखत हम को कहियो चाहू छी आर ओ आर जेने के रिएक्शन तीनटा देखै त आ सकत इ त समान हम आकु आ से त कंपेयर कर देले त रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन केते पाला 1/30 सो रेट ऑफ रिएक्शन सहित हम समस्त कंपेयर करते तनेटी 1/30 सहित हम काउ कंपेयर करले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कारटी हाइड्रोजन को कंपेयर करले तनेटी कैंसिल कर दियो केते पाइबो देखो कैंसिल कर देले हम केते पाइ जिबा त 1/30 एडे अछि केते अछि -1/3 तने डिसअपीयरेंस वाले पॉजिटिव कि नेगेटिव दोरा दरकार नै हम डायरेक्ट पाइ जिबा देखो डेल H2/ΔT इक्वल केते पाइ जिबा 3 काटि गेला केते आसला 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ओके लास्ट टू खाली अछि को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया खाली पता छै का पता छै रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया त देखिबा एथि को पाइ छथि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हम केते पाइ थिले एथि लास्ट को प्लस 1/2 डेल NH3 डेल NH3 बाय केते आसला एथि डेल ΔT त देखिबा एथि त को पाइ छिबा एथि रेट ऑफ अपीयरेंस तन डेल NH3 बाय ΔT तन कोम पर एथि 2 टा केटी मल्टीप्लाई कर दबा 2 इनटू रेट ऑफ रिएक्शन त रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू हम केते पाइथिले 2 इनटू 1/30 केते पाइले 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड देखो समस्त तो सब लिंक अछि तमे सब बुझी पारिबो टिके तो सब तुम पे इजी हो हैना देख देर चेक कर दियो निजे ट्राई कर करियो
ओके तने में देखिबा टी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तने एवरेज कौन देखते जो रेट ऑफ रिएक्शन टा मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तो कौन हम मेजर्ड ओवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम जो 10 डेज 3 डेज कर लेकिन एक के इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है सेकंड 10 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड एडे पे नाउ तर मन रखिबा सेटा होता देखा होता कहू छी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तक हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते नेक्स्ट आसीला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कौन कहबा ताकू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जत रिएक्शन तक हम मेजर करबा ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तक हम कौन कहबा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन त नै कैसे मन रखिबो डेल टी टेंड्स टू 0 एंड हम लिख दे परबा टी डेल्टी टेंड्स टू कनेक्ट डीटी वेरी स्मॉल चेंज डीटी डेल्टा चेंज होतला डी होच को डेरिवेटिव जोटा पडतिबो वेरी स्मॉल चेंज हां वेरी स्मॉल माने इट्स डेल्टी टेंड्स टू 0 वेरी स्मॉल इंटरवल माने बहुत कम से कम नेग्लिजिबल टाइम इट्स टेंड्स टू 0 होबो एंड डेल्टी टा कोडी कन्वर्ट कर देबा डीटी को कन्वर्ट कर देबा तने एग्जांपल लेके देखो से एग्जांपल जा नेइतले 2a + 3b गिव्स 4c पूरा सेम तने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन त रिएक्टेंट नेगेटिव नेबा रेसिप्रोकल प्रोडक्ट रे का पॉजिटिव रेसिप्रोकल खाली चेंज हो कोन आथि -1/2 डेल ए बाय डेल टी बाय डी ए जेटा कोचो -1/3 डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू +1/4 डी बी बाय केता आथि फ्रेंड्स वेरी स्मॉल हेटी इंटरवल ऑफ टाइम ता अधिका थला डेल टी नउथले इन एथि डेल टी टेंड्स टू 0 सो डेल टी ता कहला डी टी रे कोन मतलब वेरी स्मॉल पई हम डी टी नेबा एक अधिका ले कोन बाय डेल टी ने तने डिसअपीयरेंस ऑफ कहितले को रिएक्टेंट को हम नेगेटिव नेबा इंटीग्रल जोटा आछ इंटीग्रल जोटा के हम कोन बाय सब नेगेटिव रिएक्टेंट आसला नेगेटिव कारण कहितले को रिएक्ट हम कंज्यूम होउची आन पहुची प्रोडक्ट फॉर्मेशन होउची नॉलेज देखा नोट डिटेल्स लिखा है हम रिएक्टेंट को पॉजिटिव नेवा पहले तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलरेडी हम जान सर चंद छेटा को तन देयरफॉर मन रखिबा आर ओ आर आर ओ आर इज इक्वल टू मन रख देबा टी माइनस डी एक्स बाय डी टी फर्स्ट लाइट ही माइनस डी एक्स बाय डी टी तन एक्स देखो सी हेटा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हो कि रिएक्टेंट हो तन मन रखिबा तन एटी को होच कोन डी एक्स ता को होच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और प्रोडक्ट फॉर्म लिख दे परबा तने अमाउंट ऑफ रिएक्ट दे दे एति रिएक्टेंट नेबा रिएक्टेंट पे नेगेटिव नै छबा दे प्रोडक्ट नेबा को नै छबा पॉजिटिव नै छबा तने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम ता एते होस छै टाइम टेकन डिवाइड बाय कॉस्ट केते टाइम होस टाइम टेकन यदि रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़े कारण जी प्रोडक्ट पढ़िया दे प्रोडक्ट रे पढ़ले हम को लिखिबा dx / dt प्रोडक्ट आसे हमने पॉजिटिव हे गेला त अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय कौन से आदि टाइम टेकन डिवाइड बाय कौन से आदि टाइम टेकन त मन में ऑलरेडी हम जान चती रिएक्टेंट आसेले त हम नेगेटिव लेवा प्रोडक्ट ऐसे तक नो बट पॉजिटिव नो चल नहीं जाओ तेरे से कोई प्रॉब्लम करे तो बाहर आज क्लास ओवर करेगा इंस्टेंटेनियस से खाली किछि नै डेल्टी जगह रे जोटा कि हम पछोनी डीटी खाली पुट करबा कारण डेल्टी टा होची लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पई एंड डीटी टा होची नॉट इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पास गो प्रॉब्लम खाली कर दमा जी देखो त कोन देई देखो इन द रिएक्शन
अमोनिया हाइड्रोजन कम प्रोड्यूस करछि सॉरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम प्रोड्यूस करला अमोनिया प्रोड्यूस करला तो देजी कोन इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन H2 कोन देछि एथि 0.3 मोलर सेकंड इनवर्स लिख दे परबो लिख दे परबो शॉर्ट लिख दे परबो मोलर सेकंड इनवर्स पर मोल लीटर नंबर सेकंड इनवर्स लिखो पचाचि कोन फाइन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया फाइंड कर देला की रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कौनसला अमोनिया तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अमोनिया माने अपन लिख दे पर रे थी DH2/dt इज इक्वल टू कितने पाई गेले 0.3 मोलर सेकंड इनवर्स का मोल सेकंड इनवर्स ले लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ले पे पचा जी कोन तुमको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तने रेट ऑफ रिएक्शन को मार कर दो आगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कम पाई जीवा -1/3 DH2/dt इज इक्वल टू +1/2 DNH3 भाई कितना से ओके तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम पाई जल्दी तने एक मल्टीप्लाई करता से पूरा नहीं जीवा कितने पाई जीवा थी DH2/dt के पूरा कितने कितने जीवो माइनस उल्टा हम दरकार को अमोनिया दरकार हमरो এটা অ্যামোনিয়া কর দেখালি আমার দরকার কো রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ অ্যামোনিয়া দরকার রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ অ্যামোনিয়া কো করিবা 2 টুকে মাল্টিপ্লাই করতে পাবো কত এন্ড 2/3 DH2 বাই কস দ্যাট DH2 বাই কত আছে ডি তাহলে আমি DH2 যেটা রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ হাইড্রোজেন অফ ভ্যালু আমি কত পাইছন্তি 0.3 এন্ড 2/3 ইনটু কত আছে 0. केतास जो देख चेक कर दियो नी जाए तन केतास बैठी कर ले केतास साठी 0.3 पर तो मैं कह दियो केतास बो 0.2 कारण 3 काटे 0.1 तन केतास लाठी 0.2 मोलर सेकंड इनवर्स पूरा इज इज नहीं ए टाइप में प्रॉब्लम आसीबो तार डिफिकल्ट प्रॉब्लम अछि आगु को खाली एति एति जाए जेडा पढले इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ रिएक्शन तन एति जाए ही अछि मन रखी जोटा कि नोट रोटा अच्छी ट्राई योर सेल्फ गोटे प्रॉब्लम अच्छी तुम्हें मत संध्या सुधा 8 सुधा तुम कौन कर तार डाटाटा मत जल्दी आंसरटा जल्दी मत पठा टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू पढ़ू था समस्ते किसी असले आम आप पढ़िया रेट लॉ गोटे अच्छे रेट लॉ रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन तो डिफरेंस पढ़ा आपको रेट लॉ रेट कांस्टेंट पढ़ा स्पेसिफिक रेट रिएक्शन पढ़ा गुड़ाई अच्छे सब डिटेल्स एति काम पढ़ले आज देख आउ थे कौन केमिकल काइनेटिक्स जोटा कौन कहली रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन मेकानिज्म पढ़ले ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स वेरी फास्ट वेरी स्लो मॉडरेट वेरी फास्ट होगी इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो कौन आसा जोटा कि नॉट यूजफुल आम आसा यूजफुल हुए एंड मॉडरेट कौन आसा जोटा कि फास्ट वेरी फास्ट रिएक्शन ठारे स्लोअर आसो एंड वेरी स्लो रिएक्शन टे फास्टर आस जोटा के रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कले प्रेडिक्ट कर पारे जोटा कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्म हो नेक्स्ट देखिले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन टा कौन होता गोटे लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम कौन करता मेजर करते एवरेज इंस्टेंटेनियस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम गोटे रिएक्शन प्रोसीड कर रिएक्ट एंड कंज्यूम हम एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम से एवरेज कौन होते नेगेटिव रेसिप्रोकल नौते कोफिशिएंट रिएक्टेंट साइड रे एंड प्रोडक्ट कौन होते पॉजिटिव रेसिप्रोकल नौते रिएक्टेंट हो मैंने कंज्यूम हो नेगेटिव अपीयर कर फॉर्म हो मैंने कौन पॉजिटिव देखा आज क्लास सब करवा जब भी किसी डाउट रहे कमेंट बॉक्स कमेंट करदेव सो लाइव चैट लिखे लिखा दरकार नहीं डायरेक्ट तुम कमेंट करो जब भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लाइक सब्सक्राइब तुम सांग सेयर कर टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू।